Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema and welcome back with another video, Walking Tales Lahore Smart City episode 11. और इस वीडियो में आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो फैमिली पार्क बन रहा है उसके बारे से बताऊंगा। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है उसकी तो इसमें फैमिली पार्क में कोई जरूरत नहीं थी। ये जो ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं इनकी सबसे अच्छी बात यह कि ये पहले भी साइट पर इसी तरह मौजूद थे। मैं ड्रोन की फुटेज इस वीडियो के एंड पर या बाद में कभी रिकॉर्ड करके वीडियो की मैं किसी और वीडियो में अटैच कर दूंगा कि यहाँ पर सारे ग्रीन फील्ड थे, यानी बिल्कुल हरे भरे खेत थे और उसके साथ साथ ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पर स्ट्रीट के अपोजिट साइड पर आपको ये जो विलाज नज़र आ रहे हैं ये एक नाल के हैं, जिसका मैं पहले एक ब्लॉग बना चुका हूँ। और इस साइड पर जो विलाज आपको नज़र आ रहे हैं ये 10 मरला के विलाज हैं और इन 10 मरला के विलाज पर जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी फुल स्पीड से जारी है। और ये जो पार्क है सोसाइटी की तरफ से इस पार्क को सेंट्रल लैंड को रिजर्व करना मस्जिद के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट, ये मस्जिद का प्लॉट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा शोर भी नज़र सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर। और इसके साथ ये फैमिली पार्क है, यानी कि जिन मेम्बरान ने भी यहाँ पे आने वाले दिनों में आने वाले टाइम में विलास बाय करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको पार्क फेसिंग प्लॉट मिलेगा। और पार्क फेसिंग प्लॉट मिलना एक बहुत बड़ी नेमत होती है क्योंकि आपको घर की वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलती है। ये 10 मरला केस में भी और ये एक कनाल केस में भी, ये अपोजिट साइड पर। और इस फैमिली पार्क का कोई साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कोई बहुत अग्रेसिव साइज़ का प्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए घर के सामने आपको घर के ब्लॉक के अंदर ही आपको नियर बाय मॉस्क जो कि इस तरह बनती है। और इस तरफ देखा जाए अगर पार्क और सेंटर में यहाँ पे जो विलास वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसके आपको साथ को बड़ा इजीली पोजेशन में मिल जाएगा। अभी आप देख लें तकरीबन फर्स्ट फ्लोर जो है वो ग्राउंड फ्लोर है कंप्लीट होने वाला है। और जो 10 मरला के विलास हैं उनका साइज नंबर काउंट किया जाए तो अराउंड 50 से 55 का नंबर है जो कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। और इतना ही नंबर कनाल के विलास का है जिन पर कंस्ट्रक्शन अभी आज की डेट में की जा रही है। इस फैमिली पार्क का एडवांटेज इन मेम्बरान को सबसे ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ जिन मेम्बरान के सेक्टर ए में प्लॉट्स हैं यहाँ प्लॉट जिनके पोजेशन मिलता है वो अच्छा पोजेशन की शर्तों के वाले से लोग पूछते हैं कि पोजेशन मिलने के क्या रूल्स हैं। पोजेशन मिलने के जो रूल्स हैं आप 100% पेमेंट करें आप प्लॉट का पोजेशन ले सकते हैं नंबर वन। नंबर टू आप प्लॉट के जिन मेंबरों ने 100% से ही की थी पहली प्रायोरिटी पे उनको प्लॉट दिए जाएंगे यानी पोजेशन के लिए। नंबर टू पे जो लोग कंप्लीट करेंगे उनको दिए जाएंगे। और नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि आपने विद इन 90 डेज अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। आप सोसाइटी को एफिडेविट जमा करवाएंगे क्या आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल है उसके बाद ही आपको पोजेशन हैंडओवर किया जाएगा। ये मस्ट है, इसके बगैर आप पोजेशन नहीं ले सकते। ये जो छोटी स्पेस छोड़ी गई है इस स्पेस में या आई थिंक कोई अच्छी आर्टिफिशियल चीज़ रखी जाएगी, तो वाटरफॉल टाइप स्पेस में सर रखा गया है ताकि मेहमान को एक अच्छी फीलिंग आए जब वो घर के सामने बिल्कुल इस पार्क को देखें। तो ये ओवरऑल पार्क का साइज़ है और इस पार्क के अपोजिट साइड मस्जिद है और ये दोनों साइड पे विलाज हैं। और इस पार्क के अगर एक्सेस की बात करें मेन रोड से तो ये मेन रोड C1 रोड है जिससे आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं। और इस साइड से अगर देखा जाए तो ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास है जिससे आप बड़ा इजी एक्सेस ले सकते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पर। सो वेयर दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आप मजीद मालूमती वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।